मुख्तार अंसारी के गुर्गे शकील हैदर ने हिंद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और हिंद बिल्टी कंपनी के नाम पर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से 107 करोड़ रुपए की लोन लिए। इसके बाद उसने लोन के लिए गिरवी रखी जमीन को कई लोगों को बेच दिया। मुख्तार के करीबी गुर्गे ने बैंक को 107 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। आरोपी ने बैंक से यह लोन कंस्ट्रक्शन कंपनियों के नाम पर लिया। इतना ही नहीं, जब बैंक लोन वापसी की मांग करने लगे तो मुख्तार अंसारी के नाम की धमकी देने लगा। अब इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। मुख्तार अंसारी के गुर्गे शकील हैदर ने हिंद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट कंपनी से 107 करोड़ का लोन लिया था, साथ ही उसने लोन की रकम भी नहीं चुकाई। अब लोन के लिए बैंक कर्मी उसके पास गए तो मुख्तार का नाम लेने लगा और डराने धमकाने लगा। बता दें कि हैदर ने हिंद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर 65 करोड़ और हिंद बिल्टी कंपनी के नाम पर 42 करोड़ रुपए का लोन लिया। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के पंजाब नेशनल बैंक के मर्जर के बाद PNB ने इस मामले की जांच की। जांच के बाद PNB ने शकील पर मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला जांच शुरू कर दी। शकील हैदर ने लोन के लिए गिरवी रखे जमीन को फिर कई लोगों को बेच दिया। ऐसे में पुलिस अब बैंक में गिरवी रखे जमीन की रजिस्ट्री की फॉरेंसिक जाँच करा रही है।